हेलो गाइस, वेलकम टू मेगा लैब्स एंड क्लासरूम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल अर्थिंग कैसे किया जाता है। तो केमिकल अर्थिंग करने के लिए सबसे पहले हमें एक ज़मीन में गड्ढा करना पड़ता है। ये गड्ढा तकरीबन 6 फुट गहरा होना चाहिए और 10 से 12 इंच तक वो चौड़ा होना चाहिए। जितना आपका इलेक्ट्रोड जो रहेगा उस हिसाब से ये आपको गड्ढे की गहराई करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले देख लो, यहाँ पर इस तरह का एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर की तरफ एक टर्मिनल रहता है, और इस तरह से ये हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड रहता है जो कि जीए पाइप की तरह दिखता है। ये जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड रहता है इसके अंदर केमिकल भरा हुआ रहता है और ये पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री रहता है। इसको केमिकल से भरा हुआ रहता है और दोनों तरफ से सील रहता है। ऊपर की तरफ इसका एक टर्मिनल होता है और ये तकरीबन हमने जो यहाँ पर यूज़ किया है वो तकरीबन 5 फुट लंबा है। तो हमने 6 फुट गहरा एक गड्ढा बनाया हुआ है इस तरह का और 10 इंच जितना चौड़ा बनाया हुआ है। इसके अंदर अंदर हम ये इलेक्ट्रोड जो हमारा है वो डाल देंगे पूरा। तो यहाँ पर जो गड्ढा बनाया है उसके अंदर इस तरह से हम इलेक्ट्रोड पूरा डाल देंगे, और हम जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड डालने जा रहे हैं वो पूरी तरह से जमीन के अंदर चला जाएगा इस तरह से। ध्यान रखना है कि जो टर्मिनल वाला सिरा है वो ऊपर की तरफ रहना चाहिए ताकि हम यहाँ पर केबल या वायर का कनेक्शन इजीली कर सके। तो इस तरह से हम जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसको इंस्टॉल करेंगे, इसके अंदर फिक्स करेंगे। इसके बाद हमें ये जो हमारा इलेक्ट्रोड का टर्मिनल है वहाँ पर हम अर्थिंग वायर या तो केबल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका कनेक्शन करेंगे। तो जो हमारा अर्थिंग वायर या केबल है उसको हम यहाँ पर कॉन्डिट के द्वारा नज़दीक लाए हुए हैं। आप यहाँ पर कॉन्डिट के अलावा केसिंग केपिंग या कुछ भी यूज़ कर सकते हो जिससे कि वायर को प्रोटेक्शन मिलती रहे। तो यहाँ पर हमने कॉन्ड्यूट यूज़ किया है, कॉन्ड्यूट के अलावा हमने यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ किया है। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है जो हमें करना हुआ रहता है। इस तरह से हमने बेसिक जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है उसका फिटमेंट करके यहाँ पर जो हम टर्मिनल बनाएंगे उसके साथ इसका कनेक्शन करेंगे। तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड और जो हमारा वायर है इन दोनों का कनेक्शन जो है वो हम एक लग के द्वारा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर वायर का हम एक ऊपर का इंसुलेशन निकाल देंगे। इस तरह से इंसुलेशन निकालने के बाद यहाँ पर हम एक रिंग टाइप का जो हमारा लग रहता है वो लग लगाएंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो रिंग टाइप का लग लगाया हमने। यहाँ पर इन्होंने कॉम्बिनेशन प्लायर यूज़ किया है तो बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करें। अगर क्रिम्पिंग टूल का यूज़ करते हैं तो वो सही से फिट होगा, फिक्स होगा और अच्छे से वो टर्मिनल हमारा बनेगा। और उसके बाद इंसुलेशन टेप लगा देंगे बाकी के पार्ट पर। तो ये हमारा वायर जो है वो रेडी हो गया है कनेक्शन करने के लिए। हम यहाँ पर नट बोल्ट का इस्तेमाल करेंगे वायर और इलेक्ट्रोड के साथ फिक्सिंग करने के लिए। तो जो हमने लग वाला पार्ट लगाया उसके साथ हम टर्मिनल जो हमारा इलेक्ट्रोड का टर्मिनल है उसको नट बोल्ट की मदद से यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ध्यान रखना है कि ये नट बोल्ट जो है वो अच्छे से फिक्स करना है, तो नट को कसकर टाइट करना है जिससे कि ये कनेक्शन लूज ना रहे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा कन्वेंशनल अर्थिंग है, जो नॉर्मल अर्थिंग है, उसके अंदर हम कोयला यूज़ करते हैं और नमक यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ग्राउंड एनहेंस कंपाउंड। आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन बैग में आता है, इस तरह की बैग जो है उसके अंदर आता है जो कि पाउडर के फॉर्म में रहता है, और ये पहले से बनाया हुआ एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं ग्राउंड एनहेंस कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम जैसे कि नॉर्मल हमारा अर्थिंग जो रहता है उसके अंदर हम कोयला और नमक डालते हैं, उसकी जगह पर हम यहाँ पर ये कंपाउंड डालेंगे जिससे कि हमारे जो अर्थिंग है उसकी क्वालिटी बेहतर होगी और उसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से जो ये कंपाउंड है इसको हम गड्ढे के अंदर डाल देंगे और उसके बाद एक बाल्टी भर के पानी डालेंगे। ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड जो हमने डाला है, ये पाउडर जो हमने डाला है, उसका और पानी का मिक्सचर सही से हो जाए। दूसरा एक तरीका है कि आप बाल्टी के अंदर पाउडर डाल दें, ये पूरा कंपाउंड डाल दें और पानी के साथ उसको मिला के बाद में इस गड्ढे के अंदर भी डाल सकते हैं। तो आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे वो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड और पानी सही से मिल जाए और ये जो हमारा पाउडर है वो सूखा ना रह जाए अंदर की तरफ। तो इस तरह से हमने पाउडर और पानी का मिक्सचर कर दिया है अंदर। इससे क्या है कि हमारा जो अर्थिंग है वो बेहतर बनेगा, जो हमारा नॉर्मल अर्थिंग बनाते हैं उससे भी बेहतर बनेगा, क्योंकि ये केमिकली ट्रीट किया हुआ रहता है पाउडर।
तो जो हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और ये लंबे टाइम तक काम करता रहेगा अर्थिंग हमारा। तो इस तरह से ये पूरा गड्ढा भर देंगे और पानी डाल के उसको फिक्स कर देंगे। इसके बाद आप इसके ऊपर अगर कुछ कवरिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेंटेनेंस तो इसमें ज़्यादातर रहता नहीं है कुछ, लेकिन इसको खुला छोड़ने के जगह आप इसको कवर कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा जो अर्थिंग है वो कंप्लीट होता है, केमिकल अर्थिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।